मंसूर अहमद है, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई आर मंसूर अहमद में। आज के टॉपिक की हम बात करते हैं वो है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। इस गति के नियम में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम, सेकंड है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, थर्ड है तृतीय नियम। सबसे पहले हम गति की बात करते हैं मोशन की। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो समय के साथ अपनी कंडीशन बदलता है यानी कि स्थिति को बदलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, मींस में आता है जड़त्व, जड़त्व के नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व के नियम से पहले कि जड़त्व है क्या। जड़त्व में आ गया जड़, यानी कि जब किसी हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं या उसको चलाते हैं तो कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कोई चीज उसको खींच रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जड़त्व का मीन्स है कि कोई वस्तु अपनी ओर खींच रही है, वो आभासी बल है। आभासी बल ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यानी कोई इमेजिनरी फोर्स ही जो क्या करता है, अट्रैक्शन करता है उसको किसकी तरफ, अर्थ की ओर, उसको हम जड़त्व बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले यहाँ पे जड़त्व के नियम की, अगर मैं बात करूं तो क्या है यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट है यहाँ पे जड़त्व का नियम, ये रहा। इससे इसका पहला नियम ये गैलीलियो बोल देते हैं, गैलीलियो का नियम बोलो या जड़त्व। तो पहले जड़त्व का नियम है क्या, मैं आपको बता दूं। जड़त्व के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह रखा हुआ है तो रखा रहता है, अगर चल रहा है तो चलता रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, उसको हम जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे मैं लिख देता हूं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहती है, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। हो गया पहला क्वेश्चन, यही है जड़त्व। मैं हिंदी में भी लिख चुका हूं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहती है, और अगर गतिमान ही चल रही है तो चलती रहती है, जब तक उस पर क्या नहीं लगाते, बाह्य बल नहीं लगाते। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जड़त्व के सेकेंड नियम की। इससे पहले जड़त्व का सेकंड नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं सम्मेलन, सम्मेलन बता दो आपको है क्या। यहां पे देखना, ये मोमेंटम बोलते हैं सम्मेलन को इंग्लिश में। इसकी अगर मैं बात करता हूं, सम्मेलन क्या है कि जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जब मेरे पास कोई क्या हो, ऑब्जेक्ट हो और उसकी जो चाल है, वेलोसिटी है, वो भी हो, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखना है यहाँ पे। मैं बोल सकता हूं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये तो इंग्लिश में हो गया। अगर हिंदी में बात करूं, मैं बोलूंगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उसका वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। इसकी अगर मैं बात करता हूं इसका यूनिट क्या है, यानी कि मात्रक क्या है इसका, m for mass, mass के लिए लेते हैं किलोग्राम, v for velocity, velocity के लिए लेते हैं मीटर पर सेकंड। ये आपका टॉपिक हो गया, क्योंकि ये इसलिए पढ़ा गया कि अगर हम द्वितीय नियम करते हैं न्यूटन का तो उसमें पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं यहां पे न्यूटन का, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम ये रहा। मैं आपको बता दूं है क्या है,
न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने बताया कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी उस पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगी। मीन्स क्या होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूं द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एफ। ये हो गया, यानी कि हम हिंदी में बात करें संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर जो होगी वो बाह्य बल एफ के अनुक्रमानुपाती होगी। ये सेकंड नियम कहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एफ बराबर, अगर मैं यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डीपी अपॉन डीटी। यहाँ पे क्या होगा कि के अनुक्रमानुपाती नियतांक, हम बात करते हैं अगर मेरे पास एयर है या वायु में रखे हुए ये वस्तु और इसका संवेग था परिवर्तन था, तो हम के लिए क्या लेते हैं, के बराबर वन आएगा वायु के लिए, या इसको एयर भी बोल सकते हैं, वैक्यूम या एक आ जाएगा, तो एफ बराबर क्या आएगा, डीपी अपॉन डीटी। ये क्या हो गया, ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो गया, ठीक है ना। ये यहां पर देख लेना एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी आ गया, जब के बराबर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं, वो बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ बराबर एम ए की स्थापना करो। ये है यहां पर स्थापना करनी है, किससे, इसी न्यूटन के द्वितीय नियम से। हम कैसे स्थापना करते हैं देखने, यहां पे हम जानते हैं एफ बराबर क्या है, डीपी अपॉन डीटी। अभी मैंने संवेग पढ़ाया वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये है, हम वैल्यू को पुट अप करेंगे, द वैल्यू ऑफ पी पुट अप इन फर्स्ट इक्वेशन, मीन्स क्या हो, एफ बराबर डी एज इट इज, पी की जगह रख देंगे एम वी अपॉन डी टी। अंडरस्टैंड, एफ बराबर एम क्या है इसमें, इसके लिए एक नियत का काम करें, एम यहां पे आएगा बाहर और डी पी अपॉन डी टी बचा। अब हम बात करते हैं कि एफ एज इट इज एम पी एज इट इज, ये क्या हुआ, डी पी अपॉन डी टी। ये होता है हमारा डीवी अपॉन डी टी होता है त्वरण, त्वरण मींस एक्सीलरेशन, इसे ए से डिनोट करते हैं, डीवी अपॉन डी टी की जगह ए आ जाएगा, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। यानी कि सवाल पूछता है पहले तो न्यूटन का नियम पूछा गया, कि न्यूटन का नियम है क्या, उसके अकॉर्डिंग एफ बराबर एम ए की स्थापना करो। अभी मैं पढ़ा चुका कि एफ अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के, ऐसे ही हम पढ़ा चुका, यानी कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया, तो वी नो दैट हम इसे करेंगे एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी फर्स्ट, हम जानते हैं पी बराबर एम ए, तो वैल्यू यहां पर तब किया एम बाहर लिया, डी पी अपॉन डी टी ए के बराबर था, तो एफ बराबर एम ए, जो क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड नियम की, न्यूटन के थर्ड नियम की, होता क्या है थर्ड नियम, ए ये रहा और बी ये रहा, मेरे पास दो पिंड है या एक पृथ्वी है और मैं उसके ऊपर खड़ा हूं, हो गया ना दो, तो ये क्या कहता है, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है यदि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं वह भी आप पर इतना ही बल लगाएगा, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन के साथ एक रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। एक बार और सुन लो आप, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर इतना ही बल लगाती है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ, एक मेरे पास मेज रखी हुई है, बता दो आपको ना, ये मेज है, इसके ऊपर आपने बुक रख दिया, कुछ भी पत्थर रख दिया, सब कुछ बोलो यहाँ, तो जितना बल ये लगाएगा इतना ही बल ये इसके ऊपर लगाएगा। मीन्स क्या हुआ, इसका बल अगर मैंने इसे ए माना इसे बी माना, तो हम लिख सकते हैं ए बी, यानी कि ए जो है बी पर बल लगाएगा एफ बी एफ ए बी, और इसके विपरीत माइनस के एफ बी ए, यानी कि बी लगाएगी ए पर माइनस के एफ ए बी। न्यूटन का तृतीय नियम हो गया यहाँ पे। तो आज की इतनी क्लास है, धन्यवाद, आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर करें लाइक करें, थैंक यू।